हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन तक पर। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है कि पर डे मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ 2 मिनट 3 मिनट के, जहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ट्रिक्स लेकर आता हूँ जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की जो ट्रिक है, इस वाली ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्रह हैं उनके रंग क्या हैं और किस कारण उनके रंग हैं। तो आपके पेपर में कई बार आपसे पूछे गए हैं कि भाई अरुण रंग जो है, अरुण ग्रह जो है उसका रंग क्या है, पृथ्वी का रंग क्या है, मंगल का रंग क्या है। तो काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं एक आपको कविता याद कराऊंगा, उस कविता को याद कर लो और जो 5 या 6 ग्रहों के बारे में पूछे जाते हैं आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वो कविता पहले वो ट्रिक देख लो कि आपके सामने है। वो ट्रिक आपके सामने ये है भाई, हम हैं नीले पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। याद हो जाएगा ना, सिंपल सा आपको याद करना है कविता के रूप में। हम हैं नीले पति है पीले, हम हैं नीले पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। एक कविता की तरह है, इसको याद कर लीजिए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लीजिए भाई। तो अब हम हैं नीले यानी कि हम कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो पृथ्वी यानी कि नीला ग्रह हो जाएगा। किसके कारण, जल के कारण। तो हम हैं नीले तो पृथ्वी का रंग जो है नीला है। क्यों नीला है, क्योंकि जल के कारण। अगर अंतरिक्ष से देखोगे तो आपको पृथ्वी का कलर नीला कलर दिखाई पड़ेगा। इसके बाद पति है पीले, अब पति यानी कि बृहस्पति के अंतर लास्ट में आता है पति, इसलिए पति है पीले। तो बृहस्पति रंग, बृहस्पति का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, आपका पीला कलर हो जाएगा। और पीला ग्रह इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण ये आपका पीला दिखाई पड़ता है। तो नीला ग्रह पृथ्वी को, पीला ग्रह पति को। चलिए हम हैं नीले पति है पीले, इसके बाद आया था शुक्र बहन चमकीली है। तो शुक्र बहन को चमकीली यानी कि शुक्र ग्रह को हम लोग चमकीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसी वजह से ये बहुत चमकीला होता है, इसलिए शुक्र ग्रह आपका चमकीला। तो आपसे अगर पूछा जाए शुक्र ग्रह किस नाम से जाना जाता है या चमकीला ग्रह किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शुक्र। अब शुक्र बहन बोला गया है तो पृथ्वी की बहन क्या होती है, शुक्र होती है। आपको एक चीज़ यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद भाई शनि है काला यानी कि शनि जो है वो काला ग्रह माना जाता है N2 के कारण। ये यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, N2 के कारण जो शनि ग्रह है वो आपका काला ग्रह माना जाता है और ये काला दिखाई पड़ता है। इसके बाद लास्ट है आपका लाल है मंगल, लाल है मंगल। तो मंगल ग्रह सबको पता है भाई रेड कलर का होता है। क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। तो आपका जो रेड कलर का जब लाल ग्रह जो होता है वो आपका मंगल ग्रह होता है, और क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। और सबसे आखिरी में हम क्या बताया था भाई, और अरुण पर हरियाली है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई हरा ग्रह कौन सा होता है, तो अरुण पर हरियाली है यानी कि अरुण ग्रह जो होता है आपका हरा ग्रह होता है। किसके कारण होता है, ये भी याद रखो भाई, मीथेन के कारण। तो आपको मैंने याद दिला दिया ना, सारे की सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई ना। हम हैं नीले यानी कि पृथ्वी का रंग नीला कलर का है, पति है पीले और आपका जो पति बृहस्पति है वो पीले कलर का है। किसके कारण भाई, नीला कलर था पानी के कारण। और SO2 मैंने आपको बताया भाई, जो आपका बृहस्पति है उसको भी मैंने बताया किसके कारण भाई, बृहस्पति जो है आपका पीला है SO2 के कारण। शुक्र बहन चमकीली है, शुक्र बहन यानी कि आपकी जो अपनी बहन है, पृथ्वी की जो बहन है, शुक्र ग्रह जो है वो चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो गर्म होता है वो ग्रह। इसके अलावा हमने बताया आपको क्या, शनि है काला यानी कि शनि का जो रंग है वो काला है N2 के कारण। और लाल है मंगल यानी कि मंगल ग्रह जो है लाल रंग का होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। और अरुण पर हरियाली है मीथेन गैस के कारण, अरुण जो ग्रह है वो आपका हरा ग्रह कहलाता है। समझ गए, तो ये थी आज की ट्रिक। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर की आपको कैसी लगी। हम कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहते हैं, बस आपको ये चाहते हैं कि आपको क्लियर हो गया ना, बस यही है, एक फंडा है, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। सभी लोग ऐसे ही यार प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे और धीरे धीरे यहाँ चैनल ग्रो कर रहा है। जैसे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।